वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको एकदम कम समय में सूट रखकर कटिंग करना बताऊंगी। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल परफेक्ट वाला नाप ले लिया है, यहाँ पे हमने कपड़ा लिया हुआ है तो कोई भी मार्क हम उल्टा साइड से लगाते हैं तो नाप को उठा लेते हैं। और ये हो गया कपड़ा, यहाँ कोई भी मार्क उल्टा साइड से लगाएंगे तो इस कपड़े को हमें उल्टा करना है। आगे पीछे दोनों का अलग से, यहाँ से बीचों बीच ज्वाइंट है ये, तो दोनों को हम अलग करेंगे। यहां से यहाँ पे हमने अलग करके हटा लिया है। अब इसको उल्टा साइड से ऐसे डबल करके बिछा लेते हैं। उल्टा करके डबल करके बिछा दिया है तो अब हमें फिट का निशान लगाना है। तो यहाँ से जाएगा आर्म होल ये, और ये हो गया दामन जहाँ से चाक खुलता है वो। दो दो इंच का हमें इसमें मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे पहले हम फिट वाला निशान लगाएंगे। तो ये हो गया फिट वाला निशान, और 2 से 2.5 इंच मार्जिन रखिएगा क्योंकि कभी कभी लूज भी करना होता है, तो इतना यहाँ पे मार्जिन, ये हमने मार्जिन रख लिया उतना। अब यहां से हमें ये हो गया रेडी वाला चाक, और इतना हमें मार्जिन लेना है हेम के लिए, अगर हेम वाला बनाते हैं तो ये हेमिंग के लिए। और यहां से जाएगा गला, तो गला हमें छोटा ही बनाना है, ज्यादा डीप नहीं बनाना है, तो मैं सेम टू सेम लगाऊंगी। यहां से शोल्डर रेडी वाला, अब इसको हटा लेंगे ये, और ये निशान को हमें यहाँ ऐसे लगाना है ये देखिए। और इसमें अब हमें आर्म होल का कैसे शेप देंगे, वो ऐसे 1 इंच आर्म होल का शेप ये, अब इसको हटा देंगे ये, इसको हटाना है और जैसे हमने मार्क लगाया है बस हमें वैसे कटिंग करना है। तो देखिए कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से जाएगा एक्स्ट्रा हेमिंग के लिए, ये देखिए। और यहां से गला हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, सेम इतना ही बड़ा बनाना है, तो मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ गला की। और यहां से शोल्डर कम ज्यादा आप कर सकते हैं इसमें, ये हो गया आगे वाला पल्ला। और यहाँ पे हमें दामन जो खुलता है उसका एक मार्क, यहाँ पे एक फिटिंग का मार्क ये। अब इसी को रखते हुए दूसरा वाला पल्ला कटिंग करेंगे। हमने पीछे वाले को भी रख दिया है, सेम इसी तरह हम पीछे वाले की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे गला हमें सेम बनाना है, आगे पीछे बोट टाइप का, और यहाँ से हल्का ये, और यहाँ से 1/2 इंच का गोलाई देंगे आगे वाले में। ये गोलाई हमने दे दिया, ये पल्ला हो गया एक आगे का एक पीछे का। अब कटिंग करेंगे बाजू, तो जो इसमें से कपड़ा निकला है उसी से बाजू कटिंग करते हैं। ये छोटा वाला बनाना है गर्मी के लिए, तो यहाँ से पहले कट करके हटा देते हैं। और इसको ऐसे डबल करते हैं ये। अब हमें एकदम छोटा बाजू बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी वाले बाजू को इसके ऊपर ऐसे रखते हुए ऐसे डाल देंगे, और सेम अब हमें जितना बाजू बनाना है उतना पे फिटिंग का निशान लगा देते हैं, यहाँ से रेडी और यहाँ से ऊपर वाला।
अब इसी में हमें शेप देना है छोटा बाजू का, ये इतना एक्स्ट्रा, एक बाजू ये हो गया और दूसरा फिर इधर से निकाल देंगे। ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये आगे का, ये जाएगा दूसरे साइड, ये जाएगा, दोनों बाजू हो गई कटिंग। अब गला पे पट्टी, तो इस गला का पट्टी कैसे कटिंग होगा, तो फिर जो बचा हुआ फैब्रिक है ये वाला, इससे हम पट्टी निकालेंगे। इसको हटा दिए, ऐसे डबल। उसके बाद इसको इसके ऊपर जितना बड़ा करना है गला आप कर सकते हैं, कम ज्यादा वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक पट्टी ये हो गया, एक एक इंच छोड़ते हुए उसको भी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से पट्टी हमने कटिंग कर लिया है। अब पूरा कुर्ती की फुल व्यू दिखा, पूरी कुर्ती कटिंग हो गई, आगे का पीछे का, ये दोनों बाजू, ये गला का पट्टी। तो फ्रेंड्स सबसे कम टाइम में मैंने कुर्ती की कटिंग बताया, कैसा लगा कटिंग नीचे कमेंट करके बताइएगा। सिलाई की वीडियो इसी चैनल अमेजिंग स्टाइल में बहुत सारे पड़े हुए हैं, जाइए आप देखिए सिलना कैसे है, काटना कैसे है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय।